बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम देखेंगे भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मम्मी ने आपको चॉकलेट के 5 भागों में से 3 भाग दिया, तब से दीदी आ गई तो आपने उसी भाग में से 1 भाग दीदी को दे दिया, तो अब आपके पास कितना बचा है? ठीक है, तो 3/5 आपके पास था और आपने 1/5 दे दिया, तो कितना बचा? वेरी सिंपल, आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, यानी हर जो है वो इक्वल है, एक बराबर है, तो हम हर को नीचे ऐसे ही लिख देंगे और जो अंश है हमारे हम उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 और नीचे बच गया 5। ठीक है, वेरी सिंपल, ये तो आराम से कर लिए। डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो डिनोमिनेटर एज इट इज उतार देते हैं और न्यूमरेटर को हम एक से दूसरे को माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जाए जिसमें कि डिनोमिनेटर इक्वल हो ना हो बल्कि अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास ऐसी कंडीशन आ रही है, ठीक, ये कंडीशन आ गई और आपसे बोला अब माइनस करो, तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है क्या है वो अलग अलग है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? ठीक वैसे ही करते हैं जैसे हम फ्रैक्शन के एडिशन में कर रहे थे। हमने क्या किया था, हम डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा, जब तक दोनों चीज़ों को एक बराबर तराजू में हम नहीं रखेंगे, चीज़ों को हम बराबर नहीं करेंगे, हम बंटवारा कर ही नहीं सकते हैं। और फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन तो बंटवारा ही होता है, तो चीज़ों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो टोटल भाग होता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं और चीज़ें बराबर हमारी हो जाती हैं। ठीक है, तो हम 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 उतर गया और अब ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हुआ, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 12। ठीक है, तो अब 6 2 जा 12 होता है, यानी 6 दुगना हुआ है, तो हम इसको भी दुगना कर देंगे, तो 3 × 2 कर दिया माइनस, अब 4 3 जा 12 होता है, यानी कि 4 का जो है वो 3 गुना हुआ है, तो हम 2 को भी 3 गुना कर देंगे। चलिए 6 − 2 2 = 6, अरे वाह, व्हाट द आंसर, आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है, 6 2 = 12, यस ठीक है, 4 3 = 12, ठीक है, 6 − 6 = 0, व्हाट दैट आंसर इज 0, इज इट ट्रू, 6 − 6 = 0, 12 0 = 0, तो आंसर इज 0, आई थिंक इट इज राइट। चलिए हम दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं, क्या ट्रिक होती है, हम डिनोमिनेटर को जो है मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये होती है शॉर्टेस्ट ट्रिक, देखते हैं कि क्या हमारा 0 जो आया वो सही है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 = 24, अब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब करते हैं जब आपको एलसीएम नहीं निकालना होता, शॉर्ट ट्रिक, हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर की जगह पे, और इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 = 12 माइनस 6 2 = 12, यस हमारा आंसर सही आ रहा है, 12 0/24, तो दिस इज 0, हियर यू आर गेटिंग कि 24 0 होता है, तो यानी कि हमारा जो आंसर था वो सही चल रहा था। हम ये शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए ये 0 वाला था, तो हम एक और दूसरा ट्रिक लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके हम इसको और अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2/5 − 1/4, ये दो हैं और दोनों के फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जो है अलग अलग हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कैसे करेंगे, 5 4 = 20 और 4 2 = 8 माइनस 5 1 = 5, आंसर इज 3/20। देखा कितना शॉर्ट तरीका, बहुत जल्दी इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का 2 से कर दिया, फिर माइनस का निशान लगा दिया और 5 का 1 से कर दिया,
वेरी सिंपल, 4 2 8 माइनस 5 1 5 अपॉन 5 4 20। हियर इट इज योर आंसर। तो ये आपने देखा हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को जब तक हम इक्वल नहीं करेंगे हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर को हम एलसीएम निकाल के भी इक्वल बना सकते हैं, और नहीं तो अगर आप शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या होती है, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारा आंसर भी इक्वल और सही आता है। ठीक है, ये 3/20 जो है शॉर्ट ट्रिक से आया है, एलसीएम मेथड से आप निकाल के देखिए क्या वही आंसर है या नहीं। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाय।